हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में नॉलेज थिएटर में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है हेनरी फायोल, जिनका नाम आपने बहुत ही बखूबी सुना होगा, और उनकी स्टडी फायोलिज्म। फायोलिज्म में आते हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इस स्टडी के जाने से पहले ये जानते हैं कि हेनरी फायोल थे कौन। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि मेनली माइनिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते थे, और ऑथर थे और डायरेक्टर ऑफ माइंस के। उन्होंने डेवलप की थी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी और थ्योरीज ऑफ, जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आती है, जिसको फायोलिज्म भी कहते हैं। उनका जन्म 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल, जो कि एक शहर है तुर्की का, वहां में हुआ था। तो अब हम बात करेंगे आगे कि उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया था, क्या किया था उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं। 1860 में जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने माइनिंग इंजीनियर के तौर पे काम करना शुरू किया था। इस समय उन्होंने पता किया बहुत सारे कॉजेज जो अंडरग्राउंड फायर से रिलेटेड थे, और डेवलप किए उसके उपाय, रेमेडीज, कि उसको कैसे प्रिवेंट और कैसे उसके साथ फाइट किया जा सकता है। तो और भी बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी माइंस से रिलेटेड। और 1888 में उनको एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इस समय उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज, आइडियाज और वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज दी कि हम कैसे एक बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं बेस्ड टाइप ऑफ मैनेजर स्ट्रेटजी के साथ, जिसको हम कहते हैं फायोलिज्म। और फायोलिज्म के अंदर आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियोज में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका इसके बारे में सुझाव हो और क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आगे की वीडियोस में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अंत में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। जय हिंद।